तो हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, देखो यार एग्जाम एकदम नजदीक आ गए हैं, यानी कि मुझे पता चला है कि कल परसों से ही जैसे एग्जाम है, ठीक है, हमारे फार्मा सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो हमें उनमें उस पर मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे मार्क्स जो है बहुत अच्छे आ जाए। देखो ये नहीं कि तुमने पूरा प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ याद कर लिया, रट लिया, ठीक है, समझ लिया, अब तो मेरा सब हो गया है, मैं ना लिख के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी सारा, मेरा पेपर ना एकदम मस्त जाने वाला है, मैं कम से कम अगर 30 पेज की शीट है ना तो मैं पूरी भर के आ जाऊंगी, ठीक है, फिर देखना मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। फिर जब हम बाहर निकलते हैं ना एग्जाम देके, तो फिर यार हम देखते हैं कि ओए कितनी शीट भर ली तूने, कितना करके आया तू, मैं तो पूरे के पूरे 30 पेज भर के आया हूँ, और वहीं पे दूसरा अगला बंदा, मैंने तो बस 15 ही पेज भरे और मेरा पूरा पेपर भी हो गया। तो पता क्या होता है, अब क्या होगा जैसे रिजल्ट आता है ना, तो वहां पे हम देखते हैं यार जो 15 पेज वाला है ना उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, और जिसने पूरे 30 पेज पूरा घिसा अपने आप को लिखा उसके भी अच्छे मार्क्स आ गए। बट यहाँ पे भी मार्क्स का क्या हुआ, डिफरेंस आ गया कि जिसने 15 पेज भरे थे उसके मार्क्स जो है ज्यादा आ गए। तो हम यहाँ पे उन्हीं चीजों को देखेंगे कि कैसे हमें टाइम मैनेज करना है और हमें अच्छे मार्क्स लेके आने एग्जाम में, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या किन किन चीजों का, और इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, एनाटॉमी, सोशल फार्मेसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, तो आप हमारे चैनल पे देखोगे, सारी वीडियोस देखोगे, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी है इसके अलावा। तो ये बस मैंने एक शॉर्ट वीडियो के टाइप में 5 से 6 मिनट लूंगी मैं, और यहाँ पे सारी चीजें आपको कवर करूंगी विद एग्जाम्पल के साथ, बताऊंगी कि आपको एग्जाम में लिख के कैसे आना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, ठीक है, तो अब तुम ये जब वीडियो देखो तो ऐसा फील करो कि यार मेरे सामने क्वेश्चन पेपर रखा है और मैं इसको इस तरीके से दूंगी एग्जाम को। तो देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पूरी पढ़ो अच्छे से, हर एक सेक्शन की, हर एक क्वेश्चन की, इसमें कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने टाइम को प्लान करो, अभी एग्जाम्पल बताऊंगी पूरा, आपको ये जो लिखा है ना सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा ना लगाते हुए हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, तो पहले थोड़ा बहुत तो देख लो जो एग्जाम्पल पे अप्लाई होगा। उसके बाद हमें टाइम मैनेज करना है, अरे यार ये तो सबको पता होता है टाइम मैनेज करना है, बट किस तरीके से करना है ये आपको पता चलेगा। देखो जैसे सेक्शन ए है आपका, है ना, मैं बताती हूँ, जैसे मान लो मेरा सेक्शन ए है, सेक्शन ए जिसमें मेरे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और कितने 2 मार्क्स के हैं। तो मेरे को अपना टाइम कैसे मैनेज करना है कि मान लो मेरा पेपर जो है कितने 3 आवर्स का है, ठीक है, 3 घंटे का, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ ये जो 2 मार्क्स के जो 10 क्वेश्चन है ना, यहाँ से सिर्फ मुझे क्या, मेरा पेपर है 75 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, तो यहाँ से 10 × 2 = 20 नंबर ही तो मिल रहे हैं यहाँ से, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम क्यों लगाऊं। तो मैं क्या करूंगी, जल्दी से इसको सिर्फ अपना 30 मिनट्स दूंगी, कितने मिनट, 30 मिनट में मुझे ये कवर कर लेना है, ठीक है, और किस तरीके से कितना कितना लिखना है अभी मैं वो आपको बताऊंगी। और हाँ एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, जब आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस करते हो, मान लो मेरे 10 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आप क्या करोगे छोड़ के, मान लो एक क्वेश्चन आ नहीं रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 जो है मुझे नहीं आता है, मैं अभी ये क्वेश्चन कर लेती हूँ जितना आता है, फिर 9 क्वेश्चन मैं एकदम लास्ट में करके आ जाऊंगी, ऐसा मत करना। क्या करना कि जैसे सेक्शन ए के क्वेश्चन तुमने सारे कर लिए तो उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दो, कितना स्पेस कि मैं लास्ट में उसको लिख सकूं, क्यों, सेक्शन ए वाला सेक्शन ए में ही होना चाहिए, ठीक है। मेरे को ये समझाने का मतलब ये था कि तुम्हें सेक्शन ए पार्ट में ही खत्म कर देना है, फिर बी वाला बी में, ठीक है, फिर ऐसे ही सेक्शन सी की, मतलब अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, क्या छोड़ दो, स्पेस, बट स्पेस इतना भी मत छोड़ना कि पूरा एक पेज छोड़ा है और फिर अगले पेज को जो एग्जामिनर है वो तुम्हारा देखे ही ना कि इसके बाद भी कुछ लिखा भी है या नहीं, तो स्पेस उस टाइप से तुम्हें छोड़ना है, ठीक है। चलो अब इसमें और देखते हैं हम, आंसर व्हाट इज आस्क, आंसर उसी का दो जो उसने पूछा है, ज्यादा फालतू की चीजें मत बताओ उसके अंदर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अगर जब तुम शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस को करोगे तो उसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, क्लियर एंड डायरेक्ट आंसर, यानी कि पॉइंट में क्लियर तुम्हें समझा देना है कि तुम क्या बताना चाहते हो उसको, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ही यहीं पे शॉर्ट आंसर आया तो इसको लेते हुए चलते हैं साथ में। अब मेरा क्वेश्चन है, देखना कि मैं इसके अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और कितना लिख के आऊंगी, ठीक है। तो देखो, ठीक है, देखो जैसे कि मेरा क्वेश्चन है 1, डिफाइन करो एलिक्सर क्या होते हैं, ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन है। तो मैं इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने एक लाइन में लिख के खत्म कर दिया, ऐसा भी नहीं लिख के आना है। तो हमें क्या क्या चीजें, देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखनी होती है, सबसे पहले मैंने डाला आंसर, ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर भी लिख दिया क्या, एलिक्सर ब्लैक पेन से, और नीचे कर दी अंडरलाइन, ठीक। फिर उसके बाद क्या करा, इसकी डेफिनेशन लिख दी, बट कैसे, पॉइंट वाइज और एकदम पेपर में खुला खुला लिख के आओ, ठीक है। एलिक्सर्स आर क्लियर स्वीटेंड
अल्कोहलिक प्रिपरेशन, ठीक है मुझे लिख के आना है ये। क्या मेरा अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट? नहीं अभी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, इसके अंदर क्या कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन ऑफ एलिक्सर बताओगे तब भी ब्लैक पेन का यूज कर लो। फिर इससे पता है, इससे तुम ये सोचो अरे यार इससे तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट मैं वही बोल रही हूँ कि जो 15 पेज लिख के आया उसके मार्क्स फिर भी ज्यादा आ गए क्योंकि उसका जो प्रेजेंटेशन रहा था एग्जाम में लिखने का वो कुछ इस प्रकार था। तो देखो कंपोजिशन में मैं क्या क्या लिख दूंगी, यानी क्या क्या होता है इसके अंदर, इथाइल एल्कोहल होता है, ठीक है। और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करूंगी तो मैं लिख दूंगी 40% के आसपास होता है या इससे कमी होता है इसके अंदर इथाइल एल्कोहल, वाटर हो गया, ग्लिसरिन हो गया इसमें, ठीक है ये सारी चीजें, और फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, इतना मैंने कर दिया। फिर उसके बाद एक और पॉइंट लिख देती हूँ, टाइप्स भी बता देती हूँ इससे। देखो जो क्वेश्चन तुम्हें आता है ना उसको तो तुम इतना परफेक्ट लिख के आओ कि उसमें वो नंबर कट ही ना सके, ठीक है। फर्स्ट सेकंड कितने, 2 टाइप्स के हैं, एक कौन सा है मेडिकेटेड एलिक्जर है, जैसे सिरप होते हैं वैसे ही, बस ये हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं, बस ये हमें ध्यान रखना होता है, मेडिकेटेड एलिक्जर, और एक होता है फ्लेवर्ड, फ्लेवर्ड एलिक्जर, इतना हो गया। फिर उसके बाद सिर्फ अगर देखो तुम टाइप्स भी ना लिख के आओ, कंपोजिशन भी ना लिख के आओ, बट इसका एग्जाम्पल जरूर लिख के आना, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया क्या, फिनो बारबिटल एलिक्जर, ठीक है एक ये हो गया एग्जाम्पल, और दूसरा बेनाड्रिल एलिक्जर खांसी वगैरह के लिए दिया जाता है, और ये को जैसे दौरे वगैरह पड़ रहे हैं, कन्वर्जन बोलते हैं, जैसे अगर कोई ऐसी बीमारी है ना ब्रेन से रिलेटेड तो वहां पे फिनो बारबिटल दे देते हैं, खांसी के लिए बेनाड्रिल सुना होगा सिरप, तो ऐसे ही बेनाड्रिल एलिक्जर भी आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 मार्क्स का तैयार, तो आपको सिर्फ इतना ही लिख के आना है, और कभी भी पैराग्राफ में 2 मार्क्स के क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। तो ये था एक अच्छा प्रेजेंटेशन, तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि स्टिक टू मेन पॉइंट्स पे रहो, बुलेट पॉइंट्स यानी कि पॉइंट वाइज आंसर को लिख के आओ, ठीक। और लॉन्ग क्वेश्चन का भी बताऊंगी मैं इसके साथ साथ, और क्या है देखो नीट हैंड राइटिंग। अब हर कोई ये मत सोचो कि मेरी राइटिंग, यार मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मेरी राइटिंग इसकी तो बहुत अच्छी है तो इसके नंबर ज्यादा जाएंगे, तुम्हारी भी अच्छी है, बस क्या करो एकदम नीट एंड क्लीन लिख के आओ। अब मेरी देख लो कौन सा बहुत अच्छी राइटिंग है, ऐसी नॉर्मल सी है बहुत, बट एक एक वर्ड तो समझ में आ रहा है ना कि क्या लिखा है इसने, तो बस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि तुम लिखना क्या चाह रहे हो, ठीक है। इसी को कहते हैं नीट हैंड राइटिंग। फिर उसके बाद क्या करो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो वहां पे डायग्राम्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, लिखना कम करो और डायग्राम फ्लो चार्ट की मदद से समझाओ, टेबल बना के समझाओ, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल समझाओ, ठीक है। इस तरीके से अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, और अंडरलाइन और बोल्ड करो की पॉइंट्स को टू मेक देम स्टैंड आउट। जैसे कि अब देखो मैंने किया है बोल्ड, कि मैं चाहती तो ऐसे भी तो लिख सकती थी, मेन कंपोजिशन ऑफ एलिक्सर इज इथाइल अल्कोहल वाटर ग्लिसरिन, मैं ये ब्लैक से क्यों लिखती, ब्लू से ही लिख देती, बट अब देखो ये हाईलाइट हो रहा है ना, तो वो सिर्फ यहां से क्लियर हाइड्रो अल्कोहलिक वर्ड पढ़ लेगा, उसके बाद एल्कोहलिक तो इथाइल अल्कोहल भी लिखा है इसने, तुरंत 2 मार्क्स, वो टाइप और एग्जाम्पल तक तो गया ही नहीं, इसी को देख के 2 मार्क्स मिल गए। तो ये था प्रेजेंट करने का एक तरीका। अब ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम कैसे बताएंगे, ठीक है। ठीक है देखो, अब जैसे ये मेरा लॉन्ग क्वेश्चन का जैसे सेक्शन सी है या बी है, तो मैं अब उस सेक्शन पे चली गई हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है, डिफाइन क्वेश्चन नंबर 1 था मेरा, और तुम्हें दोबारा से क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर 1, और हमेशा चेक करो कि तुमने नंबर जो लिखा है वो ठीक भी लिखा है या नहीं। तो जैसे डिफाइन साइज रिडक्शन, तो मैंने क्या करा, अब वही फिर से यहाँ पे साइज रिडक्शन की क्या करी, डेफिनेशन बता दी, ठीक है। फिर एक्सप्लेन वर्किंग, तो इसे भी लिखते हैं। तो सबसे पहले जब मैं आंसर स्टार्ट करूंगी तो पहले तो मैं लिख दूंगी क्या, आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा ब्लर हो जा रहा है बट एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको बताना कि आप एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करके आओ अपने क्वेश्चन के आंसर को। तो सबसे पहले मुझसे कहा है साइज रिडक्शन, तो मैंने पहले साइज रिडक्शन, ये मैंने ऐसा खुद किया है एग्जाम में, यानी कि मैं बस, क्योंकि देखो एग्जाम में हमारा ब्रेन जो होता है वो इतना एक्टिव रहता है कि उसके दिमाग में सारी चीजें छपी हुई रहती हैं, तो वो ये सब स्पीड में लिख लेता है, बट हमेशा राइटिंग का ध्यान रखते हुए लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब साइज रिडक्शन की क्या करूंगी, डेफिनेशन लिख दूंगी पहले पॉइंट में, अभी भी मैं पॉइंट वाइज ही लिखूंगी। तो कैसे बताऊंगी, साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, यानी कि रिड्यूस यानी कम कर रही हो, रिड्यूसिंग द मटेरियल सच एज, और अच्छा लिखने के लिए सच एज ड्रग्स, इनटू स्मॉल पीसेज में, ठीक है स्मॉल पीसेज में कर दूंगी, और क्या कर दूंगी, कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट कर दूंगी अपने ड्रग को, कोर्स पार्टिकल जो दानेदार पार्टिकल हो गए उसके कोर्स पार्टिकल, और या फिर क्या करूंगी फाइन पाउडर में उसे कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। अब ये था डेफिनेशन, तो मैं डेफिनेशन पे छोड़ दूं, मान लो मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन है तो छोड़ दूं, नहीं, अब मान लो वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन में यार मेरे को ज्यादा नहीं आता है ना, बट वो एक अलग पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये चल रहा है, तो मैंने लिख दिया ये फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट में तो तुमने ये कर दिया। अब इसके बाद साइज रिडक्शन की इंपॉर्टेंस भी तो बता दो, किसकी अहमियत क्या है, क्यों ये जरूरी है ना, इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है इसकी, एक तो इससे क्या हो रहा है हमारा
रेट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जा रहा है, टू इंक्रीज रेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही और पॉइंट्स की रेट, टू इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो ये इतना मैंने लिख दिया शॉर्ट के लिए, है ना, मतलब कि साइज रिडक्शन के बारे में कम से कम इतना तो लिख के आऊं। अब चलते हैं थोड़ा हैमर मिल के बारे में, है ना। अब मुझे किसके ऊपर बताना है, हैमर मिल सेकंड पार्ट, देखो हैमर मिल, है ना, तो वही की ये क्या है, एक डिवाइस है जो कि मिल कर रही है, मिलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, साइज रिडक्शन के लिए। तो सबसे पहले हैमर मिल स्टार्ट करूंगी, तो पहले मैं क्या बताऊंगी इसका प्रिंसिपल, बस इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं हम इसमें। देखो हालांकि क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना पूछा है, बट हमें क्या करना है, स्मार्ट बनना है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे प्रिंसिपल भी बताएंगे कि भैया बेस्ड ऑन इम्पैक्ट किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इम्पैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसमें और क्या बताऊंगी, प्रिंसिपल के बाद सीधा क्या आ जाएगी मेरी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बताऊंगी इसकी प्रॉपर, मैंने क्या करा इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन बना दी कि किस टाइप का है हमारा, है ना, यहाँ से हॉपर लगा हुआ है जहां से मटेरियल फीड हो रहा है हमारा, ठीक है। यहां से पूरी ये इसकी स्क्रीन आ रही है, बस अच्छे से ड्रॉ करके आना, पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है, पेन से नहीं, ये तो मैं बता रही हूँ, पेंसिल से ड्रॉ करना, और जो इसकी लेबलिंग करोगे उसको एकदम कैपिटल लेटर में अच्छे से बता के आना, ठीक है। और थोड़ा ये कि इसमें ये शाफ्ट है, ठीक, ये फीड कर रहे हैं, यहाँ से हमारा हॉपर है जहाँ से हमारा मटेरियल आ रहा है, ठीक, मतलब तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें बहुत अच्छे से बना के आना है, ये मैं बस थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ, नहीं तो प्रॉपर मैंने अपने चैनल पे इसका पूरा हैमर मिल के बारे में बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ कवर किया है, अभी स्क्रीन बता दी यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद लिख कर आओ तीन चार पॉइंट कंस्ट्रक्शन के अंदर कि देयर इज शाफ्ट, ये है, फिर उसके बाद वर्किंग बता के आओ, क्या बताओगे इसके बाद वर्किंग, तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन में कम से कम कितनी लाइन लिख के आनी है, तीन से चार पॉइंट्स लिख के आने हैं मशीन के ऊपर, ठीक है, वो बनी किसकी हुई है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वर्किंग, वर्किंग लिखनी है कि कैसे तुम मटेरियल को फीड कर रहे हो, यहाँ पे भी कम से कम तुम्हें कितना, इतना ही जो है पूरा कवर करके आना है अपने पॉइंट्स में, कि कम से कम पांच छह पॉइंट तो यार लिख के ही आओ अपने एग्जाम में। वर्किंग हो गई, अब पूछा तो मुझसे यही था कंस्ट्रक्शन वर्किंग, बस इसके बाद लास्ट में क्या करोगे, एडवांटेजेस लिख दो, डिसएडवांटेजेस बस ज्यादा नहीं, दो दो लिख दो, तो इससे क्या होगा कि तुम्हें कंस्ट्रक्शन वर्किंग से कुछ ओ इस एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी आते, चलो बढ़िया नंबर दे देते हैं, तो यहाँ से नंबर आ जाएंगे, बट कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी लिख के आओगे ना सिर्फ, तो भी तुम्हें मार्क्स पूरे ही मिलेंगे, बट वो तुम अच्छे से करके आना, और जो तुम्हें लगता है मेन पॉइंट ये मैं सही लिख रहा हूँ एकदम अच्छे से लिख रहा हूँ, तो आप उसे क्या करोगे नीचे से एक अंडरलाइन कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे उस पॉइंट को, है ना, या फिर ब्लैक पेन से लिख दोगे। तो ये था मेरा मोटिव आपको बताने का कि कैसे आपने एग्जाम में लिख के आना है कि जिससे आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आए, ठीक है। डायग्राम, अंडरलाइन, एग्जाम्पल जरूर लिखो, नीट हैंड राइटिंग हो। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं ये बता दूं कि प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम से पहले देखो इस वीडियो को जरूर देख के जाना, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद, ये बातें जो है आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगी कि क्या क्या उसने मुझे बताया था कि जो मैं लिख करके आऊं एग्जाम में, ठीक है। सो थैंक यू।